हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के कैंपस से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए दिखाता हूँ आपको राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा का कैंपस। ये राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा का मेन गेट है, आप देख सकते हैं एंट्रेंस। चलिए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। ये हमारे गार्ड साहब हैं जो गेट की रखवाली हमेशा करते हैं। कितना अच्छा दृश्य है, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। इधर एक तरफ जंगल है पूरा, जिसकी वजह से कैंपस में हमेशा शांति और ठंड का माहौल रहता है। बहुत कम ही यहाँ पर गर्मी लगती है। ठीक है, ये एंट्रेंस है इसका। यहाँ देखिए प्रिंसिपल आवास है ये। इधर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स वगैरह हैं वो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा प्रधानाचार्य आवास लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रधानाचार्य आवास का मेन गेट है, ये है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये प्रधानाचार्य आवास। ये जो कैंपस में बना हुआ है आवास, ये गेस्ट हाउस है। यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो उनके लिए ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा कैंपस लग रहा है देखने में, साफ सुथरा। सामने हमारा जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो है हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अभी हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। इस गली में भी फैकल्टीज रहती हैं, उनका आवास है, ये भी आवास है। इधर आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर की है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में ही चल रही है। यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर की स्टाफ बैठते हैं, उनका ऑफिस है। ये मेन बिल्डिंग है राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा की, जहाँ पर संस्था की क्लासेस वगैरह चलती है। आपको वहाँ भी ले चलते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने के कई सारे गेट हैं, तो उनमें से एक गेट आप यहाँ देख सकते हैं, ये रास्ता बना हुआ है, इसमें रैंप वगैरह बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी बागवानी यहाँ पर की गई है। सामने जंगल है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये सब देख के आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और जो नए छात्र आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगा कि ये कैंपस कैसा दिखता है। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति का, जिसमें सारे नाम और फोन नंबर लिखे हुए हैं, चेक पोस्ट। ये है मेन एंट्रेंस पॉलिटेक्निक का, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस और ऑफिस बना हुआ है। इसे एडिट करेंगे। ये देखिए ये है मेन एंट्रेंस संस्था का, जिसमें क्लासेस चलती हैं। अंदर सारी क्लासेस है, प्रिंसिपल रूम है, ऑफिस है। इधर गार्डन बना हुआ है बहुत ही सुंदर, साफ स्वच्छ। इसके इधर भी बना हुआ है, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि ये संस्था कैसी है। ये है प्रिंसिपल केबिन, इधर सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, ऊपर भी क्लासेस हैं बहुत सारी। इधर आप देख सकते हैं गैलरी है जिसमें क्लासेस हैं बहुत सारी। ये हमारा ऑफिस, इधर भी गैलरी है, इधर स्टाफ रूम है, सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ इधर बैठते हैं। इस गैलरी में भी स्टाफ रूम है, स्टोर रूम है और केमिस्ट्री लैब है। ये देखिए यहाँ पर व्याख्याता कक्ष, बोर्ड लगे हुए हैं सबके नाम के। इधर भी है विभागाध्यक्ष कक्ष, व्याख्याता कक्ष,
अब हम आ गए वर्कशॉप में। आइए आपको ऑफिस में ले चलते हैं। ये ऑफिस कार्यालय देखिए, यहाँ पर ऑफिस स्टाफ सारा बैठा हुआ है, काम कर रहा है। आइए अब आपको वर्कशॉप की तरफ ले चलते हैं। आपको दिखाते हैं इस संस्था का वर्कशॉप क्या है, इसमें कौन कौन सी शॉप्स चलती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कशॉप लिखा हुआ है। अंदर कुछ फैकल्टीज खड़ी हैं, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ पुराने आइटम्स, ये भट्टी वगैरह बनी हुई है। कितनी साफ सुथरी ये वर्कशॉप है। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा काम किया होगा। फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे यहीं पर आके वर्कशॉप करते हैं। तो सबसे पहली लैब है फाउंड्री शॉप, इधर चलते हैं। इधर कौन सी लैब है, ये देखिए यहाँ पर है फिटिंग एम प्लम्बिंग शॉप। उसके बाद यहाँ पर आती है कारपेंट्रियम पैटर्न मेकिंग शॉप। फिर उसके बगल में है देखिए हाइड्रोलिक्स लैब। इधर है थर्मल इंजीनियरिंग लैब, बहुत बड़ी वर्कशॉप है ये। फिर अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये है मशीन शॉप, खुली हुई है। इसके बगल में है वेल्डिंग शॉप। ये पूरा ग्राउंड देखिए बना हुआ है। फिर अब हम आगे चलते हैं, वहां दिखाते हैं कौन सी शॉप है। ये है मशीन शॉप फर्स्ट, और इधर है शीट मेटल एंड पेंटिंग शॉप। तो ये था पूरा वर्कशॉप का ओवरव्यू। सामने ऊपर पानी की टंकी दिख रही है। इधर हमारी इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल की लैब्स हैं। ये देखिए रैंप वाला एरिया जो मैंने दिखाया था, ये सिविल लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, मैकेनिक्स लैब। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग की तरफ। इधर भी देखिए इस बिल्डिंग के पीछे काफी स्पेस है, संस्था का ही है। ये जो बिल्डिंग है हमारी है इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चलती हैं, और जो बलरामपुर की जो संस्था है उसकी भी क्लासेस यहीं पर चलती हैं। तो अभी तो फिलहाल ये बंद पड़ा है क्योंकि कोरोना समय चल रहा है, बच्चों की छुट्टी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ हॉस्टल और मेस की तरफ। ये है रास्ता, उधर जाते हैं हम लोग। ये मेन एंट्रेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग का, देख सकते हैं आप। इधर आप देख सकते हैं पानी की टंकी लगी हुई है संस्था की, जहाँ से पूरे संस्था में और आवास में पानी जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस। सामने वो हॉस्टल दिख रहा है, चलिए चलते हैं वहाँ तक। इधर कुछ फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉइज हैं उनके आवास बने हुए हैं, आप इधर से देख सकते हैं। पीछे पूरा मेन गेट है। ये है कलाम छात्रावास, छात्रावास के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी एक हॉस्टल है बट अभी यूज में नहीं है। ये वाली जो बिल्डिंग है ये है रमन छात्रावास। सामने हमारा है ये मेस है, यहाँ पर सभी छात्रों को खाना मिलता है। ये रमन छात्रावास। सामने हमारा स्टेडियम है संस्था का, क्रीड़ांगन। यहाँ पर एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, स्पोर्ट्स होता है। इस संस्था में चार हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल वो आप देख सकते हैं, वो है उसको पटेल हॉस्टल कहते हैं। ये है हमारा भाभा हॉस्टल,
तो हमारे पास चार हो गए, भाभा, पटेल और उधर रमन और कलाम छात्रावास। अभी आपको फील्ड दिखाता हूँ मैं यहाँ की। ये है भाभा छात्रावास का मेन गेट, ये है संस्था का फील्ड, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे मैच खेल रहे हैं। और उधर बगल में एक और स्टेडियम भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके खेल कूद कर सकते हैं, मैच खेल सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, आइए आपको हॉस्टल के मेस में ले चलते हैं, जहाँ पर सारे छात्र बैठ के डिनर। और ये हमारे लाइब्रेरियन सर हैं, आप यहाँ आएंगे तो आप इन्हीं से आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी। ये है मेस, यहाँ पर देखिए टेबल कुर्सी वगैरह सब लगी हुई है, सारे बच्चे बैठ के यहाँ पर खाना खाते हैं। दिन में मिलता है खाना एक बार और एक बार रात में। चलिए आपको मेस के जो संचालक हैं उनसे मिलवाते हैं। ये हमारे मेस के संचालक महोदय, जो पूरा मेस को चलाते हैं, उनका स्टाफ पूरा लगा हुआ है।